अस्सलामुअलैकुम, आफाक फारूकी एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले तो प्लीज़ पुरानी ट्रेडिशनल रिक्वेस्ट के ट्राई टू सब्सक्राइब, एक बटन सब्सक्रिप्शन का आपने पुश करना है। बहुत स्लो स्पीड है और सच्ची बात बताऊँ मेरा करने को दिल नहीं चाहता। बहरहाल पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं वापस पहुँच गया हूँ अपने घर, होम स्वीट होम जिसे कहते हैं। एक मिनट में अमेरिका पे जो ताज़ा तरीन है वो बयान कर देता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान पे यकीनन आऊँगा। देखें, यहाँ सबसे पहले तो जो 100 डेज के जो पॉलिसी का ऐलान किया बाइडेन ने, उसमें था कि जो डिपोटेशन है वो रोक दी जाएगी, तो उन्होंने उस पर अमल किया। मगर टैक्सेस, जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, यहाँ के एक फेडरल जज ने जो डोनाल्ड ट्रंप के लाए हुए हैं, उन्होंने उसे डिक्लाइन कर दिया। अटॉर्नी जनरल टैक्सेस ने उसके खिलाफ अपील की थी, उनके बाइडेन के फैसले के खिलाफ। सेकंड ये कि बाइडेन ने वादा किया था कि वो मिनिमम वेज यहाँ $15 कर देंगे, जो $8.35 है मेरे ख्याल में, या $10, मुझे अब सही नहीं पता। मगर आज ताज़ा तरीन खबर ये है कि वो बिल पेश कर दिया गया है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन 2025 से होगा। तो आम आदमी के लिए, जिसने बड़ा उम्मीद लगा के रखी थी, उसके लिए तो बुरी खबर है। मगर समझ में आता है कि जिस तरह से इकॉनमी श्रिंक हो रही है और जिस तरह यहाँ नोट छापे जा रहे हैं, आने वाले दिनों के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये दो अहम खबरें थीं, और भी होंगी मगर मैंने अभी ज़्यादा नहीं देखा। मैं कल परसों रात उतरा हूँ, कोई 42 आवर्स, मोर देन 42 आवर्स, कि 20 आवर्स तो सिर्फ एयर टाइम था। ये समझ लें कि दुबई 3 आवर, पूरी रात में वहाँ 10 घंटे का स्टे था। कुछ मेरे दोस्त आके ले गए, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। उन्होंने मुझे दुबई की एक एक गली दिखाई पहली बार। और मैं ये भी कहता चलूँ कि वहाँ जाकर मैं जब भी जाता हूँ, मेरा सीना कुड़ता है कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान में हो सकता था, मगर हमें मजहब ले डूबा। हमने मजहब की आड़ में करप्शन भी खूब की, लूटा भी एक दूसरे को खूब, मारा भी, तशद्दुद भी फैलाया, इंतहा पसंदी भी, मगर अपनी तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं किया। और वो जिन्हें हम बद्दू कहते थे, क्या दुबई है। जब भी जाता हूँ हैरानी होती है कि अमेरिका भी, गो के वो बड़ा मसनूई सा है, मगर हमारे यहाँ तो अपनी लेबर थी, वहाँ तो सब इंडियन पाकिस्तानी मेजर हैं और मिनिमम वेजेस पे। वो एक दर्दनाक कहानियाँ हैं, अलग सुनाने की हैं। वहाँ बहरहाल जिन दोस्तों ने मुझे रिसीव किया था, अल्लाह ताला खुश रखे यंग ब्रदर्स को, सलीम ने और उनके एक दोस्त थे साथ में जो उनके भनोई भी थे, उन्होंने एक कमाल तारीखी जुमला कहा कि सब कुछ है यहाँ, मगर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी खुतबे में कह के गए थे कि इंसानों की, खुसूसन मुसलमानों की शनाख्त अजमी और अरबी पर नहीं होगी, तकवे की बुनियाद पर होगी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अरबी ही आला है, सुपीरियर है और बड़ा है, और हुजूर के इस मैसेज को बिल्कुल साफ इस खत्ते में नज़रअंदाज कर दिया गया। इस पर बहुत डिटेल से बात सकती है मगर मैं आगे नहीं जाऊंगा। बहरहाल तो मैं 13.5 घंटे की फ़्लाइट लेके फिर दुबई से न्यूयॉर्क पहुंचा, फिर 4 घंटे की न्यूयॉर्क से डेलस की फ़्लाइट लेकर मैं पहुँचा। तकरीबन 20 घंटे तो एयर टाइम है। तो बहरहाल जब मैं पहुँचा तो दिलचस्प बात यह है कि मैंने पहली खबर पाकिस्तान के टेलीविज़न पर जो देखी वो ये थी कि अताउल हक कासमी को कोरोना हो गया। आप यकीन करें, एक खौफ की एक मैं कैसे उसे डिस्क्राइब करूँ कि वो एक लहर मेरे बदन में दौड़ गई। कि दिलचस्प बात यह है कि थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को, मैं और मेरे एक बड़े भाई हैं मेरे, तो शुएब बिन अजीज़, जो आप लोगों ने एक बड़े शायर के तौर पर जानते हैं कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मैं और शुएब बिन अजीज़ अताउल्लाह कासमी के पास गए। उससे पहले मैं बता दूँ कि अताउल्लाह कासमी मेरी एक बहुत इंतहाई पुरतकल्लुफ़ दावत कर चुके थे। मैं जिस पर जितने भी उनका शुक्रगुजार हूँ कम है कि इतना बड़ा दानिश्वर, शायर, अदीब, लेजेंड, PTV के मैं चेयरमैन, और उन्होंने मुझे ख़ास तौर से मेरी दावत की। वो बड़े नाराज़ हुए कि तुमने मुझे आकर बताया भी नहीं। बहरहाल वो एक अलग कहानी है। जिस दिन मैं उनसे मिलने गया तो टेबल के एक तरफ वो बैठे थे, दूसरी तरफ मैं बैठ गया, और शुएब बिन अजीज दीवार से लगे एक सोफ़े पर उनके ऑफिस में बैठ गए। तो कासमी साहब खांस भी रहे थे और तबीयत उनकी ख़राब लग रही थी, चेहरे पर फुल मास्क लगा था।
तो एकदम कहने लगे भाई मुझे कल से बुखार है और मुझे खांसी भी आ रही है। तो मेरा मास्क जो थोड़ी तक था उस वक्त मुंह पर नाक पर नहीं था, मैंने तंजिया सटायर के अंदाज में सॉरी कहा और मास्क को ऊपर कर लिया। तो वो बहुत ज़ोर से ऐसे कहने लगे भाई अभी पता नहीं है कि मुझे कोरोना है या नहीं है। बहरहाल मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता था जो उस दिन नहीं हो सका, सैटरडे की बात हुई। तो सैटरडे को मेरी वापसी के लिए कोरोना कोविड का टेस्ट भी होना मेरा था। पहले मैं गया अपना, मैंने टेस्ट करवाया, फिर मैं काशफी साहब के ऑफिस पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैंने फ़ोन किया, उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं और कोई जवाब नहीं। तो संडे को जवाब आया कि बेटा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं बड़ा बहरहाल दुख की बात थी, मैंने जिस तरह से अयादत कर सकता था चैट के ऊपर वो की। और मैं मंडे को यहाँ निकल आया तो जब ये खबर सुनी कि उनको कोरोना हो गया है तो एक लम्हे के लिए आंखों के सामने तारे छा गए कि वो मुझसे 2 फीट के फासले पे बैठे हुए थे। बहरहाल अब 8 दिन हो चुके हैं, मैंने शुएब बिन अजीज़ को भी फ़ोन किया, मैंने कहा सर चेक करवा लें, और जिन जिन लोगों से मिला मैंने बता दिया कि भाई ये वाकया हुआ है। बहरहाल अब मैं आता हूँ पाकिस्तान के हालात की तरफ। देखिए मैंने कोई 17-18 इंटरव्यूज किए हैं बड़े जइए नामवर लोगों के। मैंने सबसे एक जुमला ख़ास तौर से सवाल पूछा है कि क्या अब ये रियासत मैनेजेबल है, तो सब ने कहा कि नहीं अब ये मैनेजेबल नहीं है और बहुत बुरे हालात हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि मैनेज का तो नहीं पता मगर ये पता है कि आने वाले दिनों में शदीद खौफनाक संगीन मसाइल का सामना मजीद करना होगा। मैं छोटे छोटे से वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं 25 साल के, मैं पहले भी उनका जिक्र कर चुका हूँ, करम अली तौहीद नाम है उनका, मुझे जर्नलिज्म में लाने वाले भी वही हैं। तो पाकिस्तान में उन्होंने मुझे मेरा शऊर समझाया कि मुझे क्या करना चाहिए। वो 25 साल जापान में रहे हैं, उनकी जैपनीज वाइफ हैं, बच्चे भी उससे हैं, 10 साल हो गए आए हुए। तो उनकी बेगम को सिटीजनशिप नहीं दी जाती और कोई रीज़न भी नहीं बताया जाता, कहते कि वी आर नॉट ऑथराइज। वो दर्जनों सैकड़ों बार जा चुके हैं। मैंने फिर बड़े सीनियर लॉयर से पूछा इस मसले पर, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कोई ये कानून है कि अगर शौहर यहाँ का सिटीज़न है, बॉर्न सिटीज़न है, तो या वो सिटीज़न भी है खाली तब भी मिल सकता है। तो वो तो जद्दी पुश्ती वहाँ के रहने वाले, तो उन्हें वो नहीं दिया जा रहा उनकी बेगम को सिटीज़नशिप। तो बहरहाल मैंने कुछ लोगों से बात की, अभी वो एक अलग तफसील है। इसी तरह से मुझे याद आया कि जब मुझे ये बात पता चली कि पिछले साल मुझे किसी ने टेलीफोन करके कहा कि वाक भाई पिंडी में एक काम है अगर किसी से मुमकिन हो। मैंने कहा क्या? कहेंगे बड़ा सेंसिटिव काम है, एक पाकिस्तानी मुसलमान बच्ची ने एक क्रिश्चियन पाकिस्तानी से शादी कर ली, उनसे बच्चा पैदा हुआ है, वो स्कूल जाते हैं लेके, तो वो कहते हैं कि किसी को बताना भी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, इस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता कि खाने में ये लिखा जाएगा कि इसका बाप क्रिश्चियन है, लोग मार देंगे तुम्हें। तो वो बच्चा स्कूल से महरूम है, मुझे नहीं पता अब उनके क्या मामला थे। देखें आप यकीन करें वहाँ की सिचुएशन देख के अब हैरानी भी नहीं होती। एक ड्राइवर मुझसे कहता है कि सर ये जो सरकारी मुलाजिम है ना यहाँ, ये तनख्वाह जो लेते हैं ना वो ऑफिस आने की लेते हैं, काम करने के लिए हर आदमी से वो पैसे मांगते हैं, जिसका जैसा काम है वैसे पैसे दो वरना साफ कहते हैं दफा हो जाओ। इमरान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत हो, जरदारी की हो, ज़ियाउलक की हो और मुशर्रफ की हो, यू नेम इट। तो बड़े दुख से वो नौजवान लड़का था कहने लगा आप यकीन करें साहब कि ये सिर्फ दफ्तर आने की डिग्री, जो पैसे इनको तनख्वाह सरकारी खजाने से मिलती है वो सिर्फ दफ्तर पहुंचने तक की मिलती है, उसमें से भी घर से बैठ के कुछ लोग काम करते हैं और घर पे माल पकड़ते हैं। तो अब इस करप्शन के हवाले से ये तो आपने सबने सुना होगा ना कि जिस तहरीक इंसाफ के बंदे से बात करें तो वो कहेगा कि खान बेईमान नहीं है, खान बेईमान नहीं है, और करप्शन बढ़ती जा रही है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है। तो अच्छा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ सच और झूठ मिक्स हो गए हैं, गायब हो गए हैं, आप तलाश नहीं कर सकते कि सच क्या है झूठ क्या है। कि जैसी रिपोर्ट आई तो बाबर अमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जो सेनेट में चेंजिंग लाना चाहते हैं ओपन वोट की, उस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये भी बता दूँ ब्रेकिंग खबर कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है 2017 और 18 की है, और ये उनके मुंह पर एक और थप्पड़ है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि ये सारी चोरी इनके हवाले से है और ये सारे इल्ज़ाम के 130 से 124 पे आ गया, पाकिस्तान 4 दर्जा मजीद
करप्शन में बेहतरी आई है कि करप्शन और बढ़ गई है, वो आपने डिटेल देखी होगी। मैं आपको इस करप्शन पे एक दिलचस्प तरीन वाक्य सुना देता हूँ। इस्लामाबाद में कुछ दोस्तों के साथ कहीं बैठे थे, वहाँ एक साहब आए जिनका तारुफ कराया गया कि ये नैप के बड़े सीनियर अफसर हैं और ये और जनरल फैज हमीद मिलकर नैप चलाते हैं, और ये जो मोहतरम चीफ जस्टिस हैं ये पपेट हैं, इनके नाम पर काम होता है। फिर उन्होंने, मैं वो नहीं डिटेल बता सकूंगा, मेरी मजबूरी है कि बात ऊपर हो जाएगी बहुत। उन्होंने ये साबित किया दोस्तों ने कि वो जो वीडियो वाला वाकया चीफ जस्टिस के वो इन साहब ने करवाया और जिनके कहने पे करवाया वो आप खुद समझ सकते हैं, ताकि इनको चीफ जस्टिस जो जस्टिस जावेद हैं जो नैब के चेयरमैन हैं वो काबू में रहें। और उन्होंने मुझे जिस तरह लॉजिकली समझाया कि वो वाकया कैसे हुआ है, तो मुझे भी यकीन आ गया कि हाँ ये ऐसे ही हुआ होगा। उसकी जो विटनेसेस उन्होंने पेश की जो मेरे दोस्त थे, बहर वहाँ जो वो साहब जो थे, ऐसा लगता था कि वो बाकायदा लिख लिखा कर आए हैं दिमाग में और उस महफिल को सुनाना चाहते हैं। सब बोर हो गए, वो बंदा अकेला बोलता रहा। उसने सबसे पहले तो ये बताया कि जी चीफ जनाब नैब के सरबराह जो हैं जस्टिस जावेद साहब, उनकी और मीर शकील-उर-रहमान की लास्ट वीक मुलाकात हुई, बहुत डिटेल्स, और उनका कि जी रेफरेंस बहुत पक्का है मीर शकील-उर-रहमान के ख़िलाफ़, ये समझे कि इस वाक़े को ऐसे समझें उन पर जो इल्ज़ाम है कि अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और नाम रख लिया गया, और बहुत डिटेल्स उन्होंने समझाया। जिस पे एक सीनियर साफ़ी ने उनसे कहा कि हुजूर पहले ये बताइए कि सरकार का उस प्राइवेट जौहर टाउन है वो इलाका जहाँ पर उन पर इल्ज़ाम है प्लॉटिंग का, कि वो उससे सरकार का ताल्लुक क्या है, वो तो एक प्राइवेट सोसाइटी है, अगर दो तीन लोगों ने आपस में कुछ किया है गलत सही तो उसका क्या ताल्लुक बनता है उनका। उस पर चुप कह लगे, देखें ये तो अब रेफरेंस का जब समाप्त होगी तो सबको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी करप्शन की है। फिर मैंने उस पर सवाल किया, मैंने कहा कि LDA का तो कोई बंदा नहीं पकड़ा गया लाहौर के, तो उन्होंने कहा कि वो फैज रसूल नाम बताया उनका, उनका कि ही इज 94 नाउ, और वो जस्टिस बुंदियाल का जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अता बुंदियाल हैं उनके फुप्पा हैं, और हमने नैब ने यह तय किया है कि जो 90 ईयर ओल्ड होगा उसे हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। उनसे विटनेस वगैरह हमने सब ले लिए और सारा कुछ कर लिया है। और आखिर में मजे की बात कहते हैं कि ये दोनों शकील-उर-रहमान और बड़ी तौहीन आमीज कुछ बातें की जो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं कहूँ उनका, मगर वो बरी हो जाएंगे पाइज। इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर मीर शकील-उर-रहमान बरी हो जाएंगे तो उस और ये नैब के वो अफसर फरमा रहे हैं जो पीछे से मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करते हैं और जो एक जगह जवाब दे हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। इस सिचुएशन में आप फैसला कर लें कि वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। अब मैं चलते चलते आज का तारीखी वाक़या सुना देता हूँ। सुबह सुबह यहाँ के डैलस की सुबह कुछ 7 बजे खबर आई जियो पर कि KP के हुकूमत ने हाइब्रिड बसें खरीदी हैं। परवेज खटक साहब ने फरमाया कि 1 अरब रुपए की एक बस खरीदी है हाइब्रिड, और मज़ीद 30 बसें लाई जा रही हैं शहर के अंदर। तो मैंने उसे डिग आउट किया सारी चीज़ों को कि ये बस कितने की पड़ती है। तो मॉन्ट्रियल ने क्यूबिक कैनेडा के सूबे क्यूबिक ने उसके शहर में मॉन्ट्रियल से सब वाकिफ़ हैं, जिसकी आबादी 1.9 मिलियन है, इस वक्त तकरीबन 20 मिलियन 2 मिलियन अभी पूरी नहीं हुई है, ये 2017 का डेटा है, 1.78 मिलियन, तो अब 1.9 मिलियन होगी। उन्होंने 850 बसें खरीदी हैं $1 बिलियन में। $1 बिलियन मतलब 980 960 960 मिलियन की, और वो 5 साल में डिलीवर होंगी। कुछ आ गई हैं, उस पर क्रिटिज़म यह है कि कहा जाता है कि हाइब्रिड बसें जो हैं वो कंजप्शन जो है ना उनका बेहतर होता है कन्वेंशनल बसों से, मगर उसमें उन्होंने बताया कि जो हाइब्रिड बसें हैं वो 47.5 लीटर में 100 किलोमीटर करती हैं, और कन्वेंशनल बसें जो हैं वो 100 किलोमीटर इसमें एनर्जी में गैस में या पेट्रोल में या गैस में वो करती 53.5 लीटर में। और उसकी कीमत, एक बस की कीमत बताई $1.2 मिलियन, जो तकरीबन पाकिस्तान में अराउंड 20 करोड़ रुपए होते हैं।
हमारे यहां वो बस खरीदी गई है 1 अरब रुपए में, ये जहन में रखिएगा, मतलब 5 बसों की कीमत पर एक बस। अच्छा, मॉन्ट्रियल ने जो बस खरीदी है वो यकीनन उनकी अपनी कोई फैक्ट्री होगी, बहुत होगा तो अमेरिका से ली होंगी, और हमने मेरा यकीन है कि चाइना से ली होंगी एट द मोस्ट, जो चीपेस्ट। और वो कहते हैं ना, चले तो सारी उम्र, ना चले तो शाम तक फारिग हो जाए, कि 2 नंबर के वहाँ मेजर चीज़ें बनती हैं, आप चाइनीज़ चीज़ें इतनी यूज़ करते हैं आपको भी पता है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि करप्शन कैसे हो रही है, कि एक बस खरीदी जा रही है 1 अरब रुपये में, जिसमें 1 अरब रुपये में 5 बसें ईजीली आ सकती हैं। मुझे नहीं पता वो 1 अरब रुपए किस चीज़ पे लग रहे हैं। साथ में वो जो नैब के अफसर थे, उनसे जब कहा गया कि ये मालम जब्बा में और BRT में और दूसरों में जो ये हुकूमती मुद्रा है, उनका लो ये साफ ही, आप लोग पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, वो तो सारा वाजे है, साफ है, वो क्लीन हो गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, झूठे इल्जाम आते हैं। और आखिर में उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई ब्रॉडशीट में कि नैब ने $26 मिलियन एक साल पहले लंदन मूव कर दिए थे कि इसको ब्रॉडशीट को देखे जान छुड़ाई जाए, मगर उनका शुबा ये था कि ये जो वाकया हुआ है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ब्रॉडशीट से मिलकर कोई गेम की, और वो 26 मिलियन के बजाय 28.5 मिलियन डॉलर किए और अकाउंट दूसरे सीज कराए, जबकि वहाँ पैसे नैब पहले पहुँचा चुकी थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह मैं रोज़ आऊँगा, कल आपसे फिर दोबारा बात होगी।